हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के दिन मैं ससुराल से वापस जा रही थी मायके। वहाँ पे जाके मुझे कुछ पैकिंग करनी थी और उसके बाद निकलना भी है। 2 दिन बाद मेरा टिकट है, तो सोचा नहीं था कि मिस हैपनिंग होने वाली है कुछ भी। सोचा था अच्छे से टाइम बिताऊंगी, लेकिन हुआ नहीं वो। तो हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं और डिंका को खाना खिला के सुला दिया है। तो मेरा पैर का जो मतलब हील में थोड़ा हड्डी बढ़ गई है, तो इससे इतना दर्द होता है। तो इससे रिलीफ मिलेगी थोड़ा, यही सोच के गए थे मैं और मम्मी। आके देखी तो पापा और मेरा हस्बैंड बच्चे को लेके गए हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया था। तो मतलब क्या करे क्या ना करे, 2 दिन बाद फ्लाइट है, ये सोच के इतना घबराहट हो रही थी। फिर वो गोदी में ही सो गया और मम्मी ने बोला कि तुमको मैं खिला देती हूँ। तो दवा का असर तो हो रहा था, जब दवा दे रही थी बुखार थोड़ा बहुत उतर रहा था, लेकिन ये था ट्यूसडे और वेडनेसडे को इसका बुखार, मतलब दवा ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। बुखार मतलब 1 घंटे का पैरासीटामोल 1 घंटे का ही मतलब असर हो रहा था, उसके बाद फिर से इतना ज़्यादा बुखार चढ़ रहा था। तो हम लोगों ने उतना रिस्क नहीं लिया। थर्सडे अर्ली मॉर्निंग हम लोग, अर्ली मॉर्निंग मतलब क्या, 3 बजे हॉस्पिटल गए उसको एडमिट करवाने के लिए। फिर डॉक्टर ने बोला कि देखिए आपका पास में ही घर है तो मैं दवा देता हूँ, अगर ठीक नहीं होता है तो एडमिट कर दीजिएगा। तो सुबह बुखार तो नहीं आया, लेकिन दोपहर से इतना ज़्यादा बुखार चढ़ने लगा। हम लोगों ने सिर धोया, फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, दवा दी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो हमने सोचा कि नहीं, उसको एडमिट करना ही बेस्ट होगा। बच्चे की ऐसे हालत में तो रिकॉर्डिंग मैं उतना नहीं कर पाई। ये जिस दिन छुट्टी हो गया था उस दिन शाम की है। हम लोग मतलब 6 बजे तक आए थे घर वापस। तो ये वहाँ पे सेल्फी ले रहा है खुद का, कैसे फ़ोटो खींच रहा है देखिए। ऐसा देख के मतलब उस दिन इतना रिलीफ फील हो रहा था, मतलब क्या ही बताएं। घर आते ही मेरा तबीयत ख़राब हो गया, जैसा अभी तक ठीक नहीं हुआ। गला आप सुन के मतलब कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना गला बैठ गया था, ठंड बहुत लग गई थी। या नेक्स्ट दिन मम्मी शरबत बना रही है बेल का, जो कि समर ड्रिंक है और बहुत ही यूज़फुल है। मैं चली गई उसके बाद शॉपिंग के लिए, थोड़ी बहुत ख़रीदारी बाकी तो था, कुछ खरीद नहीं पाई। जितना हो सका लेके आई, मम्मी यहाँ पे पैकिंग करने में हेल्प कर रही थी। और ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है, यहाँ पे चाची और मेरी चाची की बेटी आई हुई है श्रेया। ये डिंका यहाँ पे मज़े कर रही है अपनी मासी के साथ। सीढ़ियाँ चढ़ना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जब देखो उसको सीढ़ियाँ चढ़ना है। हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे तो उनका बहुत लेट हो रहा था और मुझे दवा भी लेनी थी, इसीलिए मम्मी और चाची हस्बैंड के लिए वेट किया और मैंने, श्रेया और पापा ने खा लिया था। हम लोग सभी रेस्ट ले रहे थे और मतलब अचानक इतना बड़ा तूफान आया ना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बाहर देखा खिड़की से तो इतना ज़्यादा तूफान चल रही थी बाहर कि पूछो ही मत। फिर चाची और श्रेया को जाना ही है, क्योंकि नेक्स्ट दिन घर में पूजा है। पूजा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वो लोग रुकना नहीं चाह रहे थे, तो हम लोगों ने उतना ज़बरदस्ती भी नहीं किया। वो लोग निकल पड़े, यहाँ से टोटो में जाएंगे, उसके बाद बस पकड़ लेंगे। और बस स्टैंड में चाचा जी वेट करने वाले हैं, और कॉल किया था कि वो लोग सेफली घर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे ऐसे वेदर में चाय ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना ज़्यादा मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ था कि लगा कि हम लोग चाय पीते हैं। यहाँ पे मम्मी कर रही है घर साफ, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि सब उथल पुथल हो गया था, डिंगा का बॉटल टूट गया कांच का, तो सब मम्मी साफ की। यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और चाय पीते पीते टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर।